हेलो फ्रेंड्स, चारू माथ रसोई में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आइए आज हम देख लेते हैं एक सरप्राइजिंग रेसिपी, वो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमें क्या करना है, हमने ये 2 किलो पालक ली हुई है। इस तरीके से हमने इसके जो पीछे के डंठल होते हैं मोटे मोटे, वो ऑलरेडी निकाल के रख लिए हैं। ये देख सकते हैं, हम इसको ऐसे ही क्लीन करेंगे। पहले इसके पीछे के जो ये डंठल हैं मोटे मोटे, ये निकाल लेंगे, और जो साफ साफ पत्तियां हैं हम वो निकाल के एक तरफ रखते जाएंगे। इसके बाद हम इसको, पालक को अपने अच्छे से 2 से 3 बार पानी में खूब अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि हमारी इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, हल्को खाते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसे आइए 2 से 3 बार पहले ऐसे ही वॉश कर लेते हैं अच्छे से। तरीके से हमने अपने सारे साग को बहुत अच्छे से 2 से 3 बार पानी में धो लिया है, और आप देख सकते हैं इस तरीके से जो मोटी मोटी डंडियां होती हैं हमारे पालक में, हमने वो निकाल के, और जो पीले पत्ते पड़ जाते हैं वो निकाल के हमने ऐसे अलग करके रख दिया है। अब हमें करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमें अपने इस पालक को चाकू से नहीं कट करना है ना। पालक लेना है और उसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लेते हुए इस तरीके से हाथ से क्रश करते जाना है। इसे हमें चाकू से कट नहीं करना है, और जिस बर्तन में हमें इसे कुक करना है हम उसमें ऐड करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पालक लीजिए आप, आराम से हाथ से क्रश होता जाएगा आपका ये। इससे क्या होगा, जो हमारे पत्तों में एक्स्ट्रा पानी भी होगा ना, वो भी थोड़ा थोड़ा हमारा वॉश करने में जो रह जाता है वो निकलता जाएगा। और बीच में भी अगर कोई ऐसी मोटी डंडी आ जाए तो आप उसको हटाते जाइएगा, क्योंकि काफी बड़े पत्ते मिलते हैं, इसलिए इनको अच्छे से क्लीन करना बहुत ही जरूरी होता है। सारी पालक को हम अपनी इसी तरीके से हाथ से क्रश करते हुए बर्तन में अपने ऐड करते जाएंगे। सोच रहे होंगे हम बना क्या रहे हैं, वो आपको अभी वीडियो देखने के बाद थोड़ी देर में खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा कि आज हम पालक की ऐसी क्या डिश बनाने वाले हैं। देख सकते हैं हमने अपनी सारी पालक को पैन में अच्छे से ऐड कर दिया है। अभी ये हमारा पैन काफी ऊपर तक भरा हुआ है, जैसे ही हमारी पालक थोड़ा सा पानी छोड़ेगी वैसे ही श्रिंक होके हमारा आधा रह जाएगा। तो हम इसे कवर करके रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और पालक को कुक होते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आइए एक बार ही हटा के चेक करते हैं। देख सकते हैं पालक हमारी कितनी ज्यादा ऑलरेडी श्रिंक हो गई है। इसको एक बार ही ऊपर नीचे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, पालक ने अपना सारा पानी खुद ब खुद रिलीज कर दिया है, हमने इसमें कुछ भी पानी ऐड नहीं किया था। अब हमें इसके पालक के सारे पानी को पहले ऐसे ही ओपन करके ड्राई कर लेना है। देख सकते हैं हमारी पालक को दोबारा से कुक होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, आप देख सकते हैं पानी इसमें काफी अब सूख चुका है, और हमारी पालक भी ऑलमोस्ट काफी ज्यादा ड्राई हो चुकी है। सो अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें 1 लीटर दूध लिया हुआ है, जिसमें से कि हम अभी 1/2 लीटर दूध इसमें ऐड कर देंगे। जी हाँ, हम बनाने वाले हैं आज पालक का हलवा। पालक का हलवा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। बहुत लोगों ने सुना भी नहीं हुआ होता है कि पालक का हलवा भी हम बना के तैयार कर सकते हैं। सो आप इस रेसिपी को लास्ट तक फॉलो कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि हम कितनी आसानी से घर पे ही इतना टेस्टी पालक का हलवा बना के तैयार कर सकते हैं। अब हम अपने इस दूध के साथ अपनी पालक को कुक होने देते हैं। आप चाहे इसे कवर करके रखना, आप कवर करके भी रख सकते हैं, या ओपन भी इसे ऐसे ही कुक होने के लिए छोड़ सकते हैं। हम इसे जब तक हमारा ये दूध हल्का ड्राई हो जाएगा तब तक के लिए कुक होने देंगे। देख सकते हैं हमारा पालक अच्छे से दूध में कुक हो रहा है। लगभग 10 से 15 मिनट हमें वापस इसे अपने दूध में कुक करते हुए हो चुके हैं। हम इसको इस तरीके से मसलते हुए कुक करना है, जिससे कि अगर इसमें बीच में कुछ मोटे स्टेम्स रह भी गए हों तो वो हमारे इस तरीके से मैश हो जाएंगे। हम इसमें अपना बाकी का बचा हुआ 1/2 लीटर दूध और ऐड कर देते हैं, और इसको वापस से अच्छे से कुक होने के लिए रख देते हैं, जिससे ये हमारा वापस अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद ही हम इसमें अपनी शुगर को थोड़ा ऐड करेंगे। देख सकते हैं इसका कितना प्यारा अच्छा सा कलर आया हुआ है, बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है ये हलवा। आधे से ज्यादा लोग तो इसको समझ भी नहीं पाते हैं कि हमने ये किस चीज का हलवा बना के तैयार करा हुआ है। जब तक ये हमारा कुक होता है, आइए अब तब तक हम अपने मावे को थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लेते हैं, और अपने ड्राई फ्रूट्स भी कट करके जो रखे हुए हैं हमने उसे घी में भून लेते हैं। हमने एक दूसरा पैन ले लिया है अपने मावे को फ्राई करने के लिए। इसमें हम 1 टेबलस्पून जितना देसी घी ऐड करेंगे। पहले हमने लगभग 450-450 ग्राम हमारा वजन में मावा है, खोया है, सो हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे ही हाथ से क्रम्बल करके ऐड कर देते हैं।
इसको थोड़ा अच्छा सा हम लाल करेंगे। देख सकते हैं हमने अपने खोए को, मावे को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। काफी अच्छा हमारा ये भून के तैयार हो गया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अपने ड्राई फ्रूट्स भी हमने जो लिए हुए हैं उन्हें हल्का सा घी में रोस्ट कर लेते हैं, भून लेते हैं। 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर देते हैं इसमें ही। बादाम है, काजू है और किशमिश है, उन्हें हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें कोई और ड्राई फ्रूट अपनी चॉइस का लेना, आप उसको ले सकते हैं। बस इन्हें हल्का सा हम घी में रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, हल्का सा ही कुक करेंगे हम। बस इतना ही हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। हम अपनी गैस को बंद कर देते हैं। इसमें से एक अच्छी सी अरोमा आने लगी है। अपने पालक को एक बारी आइए, पालक को चेक कर लेते हैं। हमारा दूध काफी हद तक इसमें ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे ही हम इसका अपनी चीनी को ऐड कर देंगे, जिससे थोड़ा पानी चीनी भी छोड़ेगी और हमारी चीनी भी साथ में मेल्ट हो जाएगी और हमारे हलवे पे भी एक अच्छा सा और कलर आ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे चीनी कुक होती है वैसे वैसे हलवे का कलर हमारा चेंज होता जाएगा हल्का हल्का। सो हम इसमें लगभग 250 से 300 ग्राम के आसपास चीनी ऐड करेंगे। शुगर की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हलवे में आपको मीठा अच्छा पसंद हो तो आप चाहें शुगर की जगह पे कुछ और ऐड करना, जैसे कि जैगरी पाउडर आता है या फिर खांड, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। शुगर फ्री बनाना हो तो आप इसमें शुगर फ्री भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए चीनी डालते ही हमारा थोड़ा और इसकी कंसिस्टेंसी पतली हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे चीनी हमारी मेल्ट होगी थोड़ा पानी वो भी रिलीज करेगी, सो हमारा ये साथ में ही कुक होता रहेगा। इसे हम दोबारा से ऐसे ही ओपनली कुक होने देते हैं, जिससे ये हमारा जल्दी से ड्राई हो जाए। देख सकते हैं हमारी चीनी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। हमारा हलवे का कलर इस समय ये फाइनली ऑलमोस्ट बन के तैयार है। अब इसमें हमने अपना जो खोया लिया हुआ है वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा खोया हमने अपना बचा के रख दिया है गार्निशिंग के लिए ऊपर से। इसको बहुत अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। आपने देखा होगा कि अभी तक हमने इसमें एक बूंद भी घी अपना ऐड नहीं किया है। जी हाँ, इसको बनाने में हमें घी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हमने बस खोया भूनने में और ड्राई फ्रूट भूनने में जो 2 टेबल स्पून देसी घी लिया है उतना ही हमारा सफिशियंट है। ये देखिए खोया मिलाने के बाद कितना अच्छा हमारा पालक का हलवे का रंग और बनके तैयार हो रहा है। देख सकते हैं इस समय इसने पैन पूरा रिलीज कर दिया है। यही हमारी पहचान है कि हमारा पालक का हलवा अच्छे से बनके तैयार हो गया है। हमने जो अपने ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं उनको इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए किनारे किनारे से इसमें जो घी की बूंदे दिखाई दे रही है, हमारा हलवा यानी कि अच्छे से बनके तैयार हो गया है। हम अपने ड्राई फ्रूट्स को इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट हम ऊपर से सर्व करते हुए डालेंगे। इसमें मावा थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है तभी अच्छा टेस्ट आता है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा थोड़ा खोया इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने की। ये देखिए ये हमारा यमी पालक का हलवा बनके तैयार है। देखते ही मन कर रहा है इसको खाने का। और ये आप अगर किसी के आगे सर्व करेंगे तो हर कोई सरप्राइज होके देखेगा कि ये किस चीज़ का हलवा है। बन के तैयार है, हम इसको बंद करते हैं और इसे एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको एक बाउल में सर्व कर लिया है। ऊपर हल्का हल्का खोया लगा देते हैं इस तरीके से, और जो हमने अपने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं उसको इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। सो ये हमारा पालक का हलवा बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताए हुए पालक के हलवे की रेसिपी पसंद आएगी। पालक का हलवा बहुत ही टेस्टी हलवा बनके तैयार होता है। विंटर्स में पालक के हलवे को बना के तैयार कीजिएगा। मूंग की दाल का हलवा, गाजर का हलवा सो जनरली सभी घरों में बनाया जाता है विंटर्स में, लेकिन पालक का हलवा बहुत ही रेयर रेसिपी है। आप लोग इसको बना के इस बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए। आप लोगों को वीडियो पसंद आए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।